अमेरिका में आए चक्रवाती तूफान की वजह से ह्यूस्टन शहर भीषण बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ में फंसे 200 भारतीय छात्रों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीय छात्रों की बाढ़ में फंसे होने की जानकारी भी दी है। क्षेत्र में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग छात्रों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। वहीं तूफान से तबाही का जायजा लेने के लिए मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप टेक्सस का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इमरजेंसी के हालात की घोषणा भी कर दी है। तूफान से अरबों डॉलर का नुकसान होने की आशंका। तीन तस्वीरें ह्यूस्टन की, 200 भारतीय यहां से रेस्क्यू किए गए हैं। कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है, घरों के अंदर पानी गया है। भीषण बाढ़ की चपेट में इस वक्त ह्यूस्टन है और जायजा करने के लिए वहां पहुंचेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कई हजार डॉलर का नुकसान होने की आशंका इस बाढ़ में जताई जा रही है। देश भर में गणपति महोत्सव की धूम जारी है। मुंबई में मंगलवार सुबह सिद्धि विनायक मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया और इस आरती में शामिल होने के लिए सुबह सुबह भक्तों का तांता उमड़ा। इस दौरान भक्तों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना और आरती का आनंद उठाया। मंगलवार को विशेष आरती का प्रावधान। वक्त एक ब्रेक का।